नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार। आप देख रहे हैं YouTube चैनल SSC प्रमोद GK GS। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर एक, उदय शंकर किससे संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों नृत्य, इसका नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है गाना, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है संगीत, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है तलवारबाजी। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब देखने के लिए नीचे में देखिए, और सही जवाब है नृत्य। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है दो, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों हड़प्पा, नेक्स्ट जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है सिंध, नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है लाहौर, नेक्स्ट जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है बनास। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब देखने के लिए नीचे देखिए, और इसका सही जवाब है हड़प्पा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है तीन, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसका पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है न्यूटन, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है डॉल्फिन, नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है लॉर्ड कर्नल, नेक्स्ट जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है लॉर्ड क्रेज। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब देखने के लिए नीचे देखिए, और इसका सही जवाब है न्यूटन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है चार, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है राजस्थान, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है पंजाब। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब देखने के लिए नीचे देखिए, और सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है पाँच, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है दोस्तों महात्मा गांधी, नेक्स्ट तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है सरदार पटेल, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब देखने के लिए नीचे देखिए, और इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है छः, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेलवाड़कर कप प्रदान किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों वो है टेनिस, नेक्स्ट जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है हॉकी, नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है मुक्केबाजी, नेक्स्ट जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है तैराकी। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब है मुक्केबाजी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है सात, राधा मोहन कप का संबंध किस किस खेल से है? इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों क्रिकेट, नेक्स्ट जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है टेनिस, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है फुटबॉल, नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है दोस्तों पोलो। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब देखने के लिए नीचे देखिए, और इसका सही जवाब है पोलो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है आठ, क्रिकेट के खेल में पंकी क्रीज की माप होती है? पहला ऑप्शन है दोस्तों 2 फीट, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है 5 फीट, नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है 4 फुट, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है 6 फीट।
दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है 4 फुट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 9। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल नहीं खेलता है? इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों न्यूजीलैंड। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है जापान। नेक्स्ट जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है रूस। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है जापान। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 10। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे? पहला है विनू मांकड़, बी है सी के नायडू। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है विजय हजारे। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है सी के नायडू। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 11। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों 1955 में। नेक्स्ट दूसरा है 1961 में। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है 1965 में। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है 1971 में। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब देखने के लिए नीचे देखिए। और इसका सही जवाब है 1961 में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 12। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है दोस्तों मिल्खा सिंह। नेक्स्ट जो दूसरा ऑप्शन है वो है जोगिंदर सिंह। नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है अजीत पाल सिंह। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब देखने के लिए नीचे देखिए। और इसका सही जवाब है मिल्खा सिंह। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 13। डेविस कप की शुरुआत कब हुई? इसका पहला ऑप्शन है 1950 में। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है वो है 1935 में। नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है 1900। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है 1933। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है 1900 में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 14। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है? इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो है उरुग्वे। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वह है इटली। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वह है ब्राज़ील। नेक्स्ट इसका जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है अन्न। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है उरुग्वे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 15। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो है जापान। नेक्स्ट जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है थाईलैंड। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब देखने के लिए नीचे देखिए। और इसका सही जवाब है भारत। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 16। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो है बेसबॉल। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है लॉन टेनिस। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है हैंडबॉल। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों
इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है लॉन टेनिस। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 17। राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ अवस्थित है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है पटियाला, इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है कोलकाता, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है नई दिल्ली, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है अन्य। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब देखने के लिए नीचे देखिए और इसका सही जवाब है पटियाला। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 18। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों वो है रूप सिंह, नेक्स्ट इसका जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है सुरजीत सिंह, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है मेजर ध्यानचंद, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन दोस्तों वो है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। ये प्रश्न नंबर है 19। किस टेलीकॉम कंपनी ने मार्च 2020 तक पूरे भारत में 3G नेटवर्क को बंद करने का फैसला किया है? इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों आइडिया, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है वोडाफोन, नेक्स्ट इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है एयरटेल, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है जियो। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? और नीचे देखते हैं और इसका सही जवाब है एयरटेल। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 20। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? पहला ऑप्शन है उदयन, दूसरा ऑप्शन है अशोक, नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है बिंबिसार, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? और इसका सही जवाब है उदयन। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।